हेलो फ्रेंड्स, अभी बना रही हूँ मैं आंवले का मुरब्बा। मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आंवले का मुरब्बा, इसलिए मैंने इसके लिए आंवला लेके आई थी, तो सोचा कि चलो बना ही देते हैं। और ये बना रही हूँ सरसों का साग, ये मेरी बिटिया के लिए है और सभी लड़कियों के लिए है जो उसके साथ में रहती हैं, सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बेसन की बर्फियाँ बनाई हैं, उसके फेवरेट लड्डू ये मैंने बनाए हैं, सौंफ और सिंघोड़े के आटे के लड्डू बनाए हैं जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सारा सामान रेडी हो चुका है, इसको मैंने डिब्बों में भर लिया है। इसके बाद की पैकिंग मैं आपको दिखा नहीं पाई, कुछ सामान और भी डाला है। आवाज़ में बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग बस में कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, मैं सरसों का साग रेडी। तो ये पहले मैंने उबाल के रख रखा था कि जब भी जाऊँगी, क्योंकि दो तीन दिन से प्लान कर रहे हैं हम जाने का, तो उसके लिए फिर से तड़का लगा के तैयार कर दूँगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कम रहेगा क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा है, तो थोड़ा मैंने अभी और उबाल लिया है सरसों और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी ताकि सभी बच्चों को आ जाए। आज जा रही हूँ मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, घर से तो हम लेट हो गए, आज बस में जाना है, तो काफ़ी स्पीड से जा रही है कि बस निकल ना जाए। अगर बस निकल गई तो मुझे वहाँ पे आधा घंटा करने के लिए वेट भी करना पड़ेगा, तो आपको गाड़ी की स्पीड दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा है। तो फुल स्पीड में हम जा रहे हैं ताकि बस हमारी छूट ना जाए। बस में जाना वैसे ठीक रहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन लगता है बस निकल तो नहीं पाएगी। फटाफट काम करके और अपना टाइम पे निकल पाऊँ। अभी आपको दिखाती हूँ, पीछे बैग पड़ा है, तो ये बैग है, इसमें मैंने बच्चों के लिए सामान डाला हुआ है। ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा है, ये ट्रक और ये ट्रैक्टर ट्राली है, बैग आ रहा है वो, तो यहाँ से निकलने की जगह नहीं है। मेरी बस तो निकल चुकी है, हमने सोचा था काफ़ी फास्ट जाएंगे तो शायद उसे पकड़ भी लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। अभी ये दोनों आमने सामने आ गए और जगह बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छा तो बाइक पे आते तो ठीक रहते। अब क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से वो वेट करेगा तब निकाल लेंगे अपने बीच में से। ठीक है ठीक है, लगा लो साइड में। अरे भाई एक मिनट रुक जा, निकालने देना, कुछ भी नहीं कार खड़ी है। ओहो ले जा वो बैग, ले जा, थोड़ा और बैग जाएगा तो अपने साइड से निकल जाएंगे। हमें ज्यादा जल्दी है, प्लीज जाने दो। चलो थैंक यू, काश बस 5 मिनट लेट हो जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बच्चों से मिलने जा रही हूँ। 29 हो गए और काफी दिनों से तबीयत खराब है, मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन करने लगा कि नहीं चलो मिलाते हैं। कल तो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी तो मैंने वीडियो भी नहीं डाली, और आज थोड़ा शूट भी कर रही हूँ, अगर टाइम मिला तो अपलोड भी कर दूंगी। बच्चों से मिलने की खुशी भी हो रही है, और ये है कि अगर ये बस निकल गई तो बच्चों के इंटरवल का टाइम निकल जाएगा, तो फिर मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा और मुझे शाम को लेट तक वहाँ रुकना ही पड़ेगा। थोड़ा धीरे थोड़े धीरे, चलो देखते हैं बस मेरे हाथ आती है या नहीं। वैसे तो हम कहते हैं कि बस टाइम पे चले, लेकिन मैं आज ये सोच रही हूँ कि बस प्लीज 5-10 मिनट के लिए लेट हो जाए ना, तो ये बस मुझे मिल जाए। फाइनली मुझे बस मिल चुकी है, ठीक है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं थी, 2 ही मिनट रहे थे, हम पहुँच गए थे। ये बस 9:30 की थी, मुझे लग रहा था ये 9:15 चलती है, तो बस मुझे आराम से मिल गई है, बढ़िया सीट मिल गई है फ्रंट की। तो अभी मैं जाऊँगी और बच्चों से मिलूँगी, उसके बाद फिर जो शूट होगा वो आपको कल दिखाऊँगी।